नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, हार्मोन्स के संतुलन के बारे में। हार्मोन्स हमारी बॉडी में मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य हार्मोन्स द्वारा होता है। रासायनिक संदेश वाहक का काम हार्मोन्स द्वारा होता है। हमारे बॉडी की प्रक्रियाएँ, तंत्र यानी सिस्टम्स, जैसे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करने का कार्य हार्मोन्स द्वारा होता है। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, यानी कि संतुलन बिगड़ता है, कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। एक उम्र के बाद ये सिस्टम्स मोस्टली लोगों में देखे जा सकते हैं। बाकी इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी बॉडी में हैवीनेस हो सकता है, यानी कि उसको भारीपन, स्वेलिंग हो सकती है। लेजीनेस, यानी कि उसकी बॉडी में आलस ज़्यादा हो सकता है। टायर्डनेस हो सकती है, यानी कि वो बंदा जल्दी थक जाता है। मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि पसीना ज़्यादा निकल रहा हो। हॉट एंड कोल्ड फीलिंग हो सकती है, यानी कि या तो उसे ज़्यादा गर्म लग रहा है या उसको ज़्यादा ठंड लग रही है। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, एकदम से किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना। हेयर फॉल, अननेचुरल हेयर ग्रोथ, इरेगुलर पीरियड्स, ब्लैक हेड्स ऑन द स्किन, स्किन पर ब्लैक ब्लैक दाने या स्किन का पूरा पैच खराब हो जाना। हेडेक, वॉइस का हार्ड होना यानी कि आवाज़ का भारी होना। एनीमिया, भूलने की बीमारी। एंड इंसोमनिया, यानी कि नींद का डिस्टर्ब होना। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बेलेंस में देखे जा सकते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस क्यों होता है? अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हुआ तो क्यों हुआ? इसका जो सबसे बड़ा कारण आता है हमारा सबसे पहले लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा डाइट प्लान, जो कि हम जंक फूड जो हमारे खाने में या एसिडिक फूड जो हमारी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, हम ज़्यादातर एसिडिक चीज़ें खा और पी रहे हैं। मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। अच्छा, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये भी हार्मोनल इम्बेलेंस के अंदर ही आते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो इसको भी हार्मोनल इम्बेलेंस के अंदर रखा गया है। इस बीमारी को हम डायबिटीज, थायराइड या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, ये भी हार्मोनल इम्बेलेंस के अंदर ही आता है। अब इसका आप ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना वेट कंट्रोल करके, एक अच्छी डाइट प्लान करके या एक अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ऑरिकुलर थेरेपी में जिनके ऊपर हम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा एंडोक्राइन, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो हमारा पॉइंट आएगा एंडोक्राइन पॉइंट। दूसरा हमारा किडनी एंड लीवर पॉइंट, ये हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, तो हमारे लीवर और किडनी दोनों पॉइंट्स पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। सेनमेन पॉइंट हम वाटर एलिमेंट के लिए यूज करेंगे। सोलर चक्रा हम यूज करेंगे, यानी कि हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कर सकें। पिट्यूटरी ग्लैंड पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी ग्लैंड्स की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो यूज करेंगे। साथ में नर्वस सबकॉर्टेक्स, बाकी हम जो पॉइंट्स का सिलेक्शन करेंगे वो हम सिलेक्शन करेंगे अपने सिम्टम्स के हिसाब से। अगर किसी को स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा है तो हम एंजाइटी का पॉइंट और जॉय का पॉइंट दोनों लेके चलेंगे। किसी को इंसोमनिया है तो हम न्यूरोस्थेनिया उसके ठीक पीछे डीप स्लीप का पॉइंट लेके चलेंगे। तो हम सिम्टम्स के हिसाब से बाकी पॉइंट्स पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही कि ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से हार्मोन्स को किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे सेंटर पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।